नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे RIR मुर्गी पालन के बारे में। वैसे तो वेस्ट बंगाल के काफी जगहों पे आपको ये ब्रीड काफी आसानी से मिल जाएंगी। वैसे इनकी डे ओल्ड चिक्स की कीमत लगभग 20 से 25 रुपए के आसपास होती है। और दोस्तों, ये ब्रीड आप ड्यूअल पर्पस ब्रीड के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे मीट के लिए पालना चाहते हैं तो पहले महीने आप इन्हें घर में बंद करके पालें और अगला 2 महीना तक आप इन्हें फ्री रेंज में भी पाल सकते हैं। ये फ्री रेंज में काफी अच्छी पलती बढ़ती है। लगभग 100 दिन में 100 दिन के अंदर ये 1 किलो बॉडी वेट गेन कर लेती है। ओके, और इन्हें अगर आप मार्केट में होलसेल रेट में सेल करने जाओ तो हमारे यहाँ पे ये 160 से लेकर 180 रुपए प्रति केजी के दर से ये बिकती है। पता नहीं आपके यहाँ पे इनकी रेट ज्यादा है या कम, मगर हमारे यहाँ तो ये लगभग 160 से 180 रुपए के अंदर ही बिकती है। और बात रही इनकी अंडों की, तो ये प्रति माह 15 से 20 अंडे तक देती है और इनके अंडे लगभग देसी मुर्गियों से मिलता जुलता है, 19 और 20। तो अगर आप इनके साथ ही कुछ देसी मुर्गियां भी मिलाकर इनके साथ पालें तो ये काफी बेहतर होगा आपके लिए। आप इनके अंडे देसी मुर्गी के अंडों के हिसाब से ही बेच सकते हैं। कई जगहों पे ये पहचान में आ भी सकती है इनका अंडे कि ये प्योर देसी नहीं है, मगर हमारे यहाँ तो मैंने जो देखा है वो मैक्सिमम लगभग देसी मुर्गियों के ही अंडे जैसे लगते हैं और इसकी अच्छी खासी कीमत आपको मिल जाएगी। ओके, बाकी आपकी मर्जी, मगर अगर आप इनके फार्मिंग करना चाहते हैं और इनकी ब्रीड आपको आसानी से मिल जा रही है तो काफी अच्छी बात है। और अगर बाय चांस आपको इनकी चिक्स मिलने में दिक्कत हो रही है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इस ब्रीड के चिक्स प्रोवाइड करा देंगे। ओके दोस्तों, अगर अब तक आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने काउंटर स्टार्ट किया है जो कि काउंटर तो हमारा है बट प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, जिसकी जानकारी मैक्सिमम लोगों को नहीं है। तो इसके बारे में रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। मगर फिर भी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल डिस्प्ले में जो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, उन तरह के सभी बर्ड्स और एनिमल्स से जुड़ी हुई लगभग हर तरह की सुविधाएं आपको इसी काउंटर से मिल जाएंगी। जैसे कि आपको इनके एग्स, चिक्स, इनका लाइव वेट बर्ड और एनिमल्स जो कि फार्मिंग के लिए है, साथ ही में खाने के लिए आपको इनके मीट भी यहीं मिलेंगे, फीड भी मिलेगी और ट्रेनिंग भी मिलेगी। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है लेकिन काउंटर हमारा है। और साथ ही में अगर आपको अपने फार्म प्रोडक्ट्स को बेचने में दिक्कत आ रही है तो आप इसी काउंटर में अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको फार्मिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि मिलने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसी काउंटर से इन्हें खरीद भी सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको और एक बात बता दूं कि मैंने तो बोल दिया आपको कि यहाँ पे लगभग सभी कुछ आपको मिल जाएंगी, मगर थोड़ा कुछ मिसिंग है। जैसे कि आपको इमू बर्ड्स का यहाँ पे आपको खाने के लिए मीट तो मिलेगा लेकिन इनके बच्चे नहीं मिलेंगे। साथ ही में आपको यहाँ पे गाय के लिए गाय का दूध और इनकी फीड मिलेगी लेकिन गाय का मीट नहीं मिलेगा। उसी तरह आपको यहाँ पे पिग के मतलब सुअर के मीट मिलेंगे खाने के लिए और आपको इनका फीड भी मिलेगा लेकिन इनके बच्चे नहीं मिलेंगे। इसके बावजूद आपको यहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा जो और कहीं नहीं मिलेगी। ओके,